पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव देरी से होने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षियों पर जमकर भड़ास निकाली है। ममता ने माकपा, कांग्रेस और भाजपा पर राज्य में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में जानबूझकर देरी कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इन पार्टियों ने जानबूझकर हिंसा की खबरें फैलाकर राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की है। ये जानते हैं कि चुनाव में इनका कोई वजूद नहीं बचेगा, इसीलिए षड्यंत्र रचकर चुनाव देरी से करवा रहे हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हिंसा को लेकर बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट में चुनाव देरी से कराने की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ममता सरकार को झटका दिया था। कोर्ट ने कुछ समय के लिए चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इसी आदेश पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि माकपा, कांग्रेस और भाजपा तीन भाई हैं, जो नई दिल्ली में एक भूमिका निभाते हैं और पश्चिम बंगाल में दूसरी। वो बेबुनियादी खबरें और अफवाह फैला रहे हैं और मुख्य रूप से टेलीविजन शो पर अपने चेहरे दिखाने के लिए ये सब करते हैं। पंचायत चुनाव के साथ साथ ममता ने लगातार सामने आ रही रेप की घटनाओं को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने भाजपा को एक ऐसी पार्टी करार दिया जो बलात्कार और हिंसा को बढ़ावा देती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।